सबको सादर नमस्ते। आजादी के अमृत महोत्सव पर सूर्य नमस्कार, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का यह विश्व रिकॉर्ड का अभियान भारत सरकार, अन्य सहयोगी संस्थाओं की ओर से जो चलाया जा रहा है, उसी के संदर्भ में, उसी के अंतर्गत स्वामी न्यूज़ अजमेर के इस विशेष प्रत्येक दिन के लाइव सत्र योग व स्वास्थ्य के अंतर्गत भी हम इसके अभ्यास को सीखेंगे, समझेंगे और इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हमारे उत्तम स्वास्थ्य में सूर्य नमस्कार का क्या महत्व होता है। तो आइए आज सूर्य नमस्कार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो सभी तैयार? प्रथम अभ्यास प्रार्थना मुद्रा, ये दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, इसमें श्वास बाहर रहे, चौथा दक्षिण अश्व संचालन आसन श्वास भर के, और पांचवा अभ्यास पर्वत आसन श्वास बाहर होगी, और छठा अष्टांग आसन या साष्टांग दंडवत आसन श्वास बाहर, सातवां भुजंगासन या सर्पासन श्वास अंदर भरें, और आठवां फिर से पर्वतासन श्वास बाहर अपनी नाभि की तरफ देखें, नौवां वाम अश्व संचालन आसन श्वास भर के लगाएंगे, और दसवां फिर से पाद हस्तासन। इस प्रकार से 10 अभ्यास, फिर श्वास भर के 11वें अभ्यास हस्तोत्तानासन या उत्तान हस्तासन में पूरे शरीर खींचें, और 12वां फिर से प्रार्थना मुद्रा प्रणाम आसन, 1 2 2 में पूरा श्वास भरें, 3 में आने से पहले श्वास बाहर छोड़ देंगे, और 4 में आने से पहले पूरा श्वास भर लीजिए, फिर 5 श्वास पूरा बाहर चलेगा, पूरा बाहर छोड़ करके बाहरी रोकें, 6 में भी श्वास बाहर रुका रहेगा। श्वास भरने के बाद 7वां अभ्यास करें, और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके इस 8वें अभ्यास में आ जाएं, श्वास भर के 9वें अभ्यास, और श्वास बाहर 10 10वां अभ्यास करें। श्वास भरने के बाद 11वां अभ्यास, इसी में शरीर को खींचें पीछे की ओर, और श्वास बाहर छोड़ें, ये 12वां अर्थात श्वासों को सामान्य, ये फिर 1 प्राणायाम आसन, दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरे आसन में चल रहे पाद हस्तासन, प्रारंभिक साधक धीरे धीरे करेंगे ना उनके आसन लगने लग जाएंगे, चौथा दक्षिण अश्व संचालन,
और पांचवा पर्वतासन, और छठा आसन जिसको अष्टांग आसन या साष्टांग आसन के कहते हैं, और सातवां भुजंगासन। आठवां अभ्यास फिर से पर्वतासन का हम करेंगे। नौवां वाम अश्व संचालन, बाएं पैर को आगे की ओर ले जाएं दोनों हाथों के बीच में। दसवां अभ्यास पाद हस्तासन करें। फिर ग्यारहवां अभ्यास हस्तोत्तान आसन, उत्तान हस्तासन कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। और फिर बारहवां अभ्यास फिर प्रार्थना मुद्रा, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। ये पांच अभ्यास, अब छह में चलते हैं। ओम भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ये सात अभ्यास पूरे हुए। ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, दस अभ्यास पूरे हुए। ग्यारहवें में ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, फिर से पहला ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। ये चार अभ्यास पूर्ण हुए, सबके मंत्र मैं बोल रहा हूँ। पांचवे पे चलते हैं। ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आइए अब दूसरे योग साधक की दृष्टि से इस योगासनों को देखते हैं। सूर्य नमस्कार के संपूर्ण योगिक अभ्यास एक के बाद ये दूसरा अभ्यास, श्वास भर के श्वास बाहर ये तीसरा अभ्यास, श्वास भरें चौथा, श्वास बाहर पांचवा अभ्यास, श्वास बाहर छोड़ें छठा, श्वास भरें सातवां अभ्यास, श्वास बाहर होगी और आठवां, श्वास भर के ये नौवां अभ्यास, ये श्वास बाहर ये दसवां, श्वास भरने के बाद शरीर पूरा खींचें ग्यारहवां अभ्यास, श्वास बाहर बारहवां अभ्यास। फिर से देखते हैं, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, छठे अभ्यास को देखें, छठा, सात श्वास भर के, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, इस प्रकार से सूर्य नमस्कार को ऐसे लगातार यदि हम सूर्य नमस्कार करते रहेंगे तो इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, शारीरिक लाभ बहुत हैं, हमारे को संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है और जीवन में एक उल्लास मिलता है। उल्लास उत्साह इनके आधार पर जीवन बहुत अच्छा चलता है, तो इसीलिए
यदि हमें उल्लास चाहिए जीवन में तो हमें सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन करना ही चाहिए। प्राणायाम के साथ यदि इसका अभ्यास करते हैं, जैसे ये एक एक आसन जो लग रहा है, प्रत्येक आसन में श्वास का भी नियम होता है। पहले में श्वास सामान्य है, ये दूसरा जैसे ही कर रहे हैं तो श्वास भर करके पीछे जा रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ करके तीसरे अभ्यास में आए, श्वास भरते हुए चौथा अभ्यास और श्वास बाहर ये पांचवा पर्वतासन। इस तरह से ये प्राणायाम हो रहा है। छठे में श्वास बाहर रहेगा, सातवें में आने के पहले श्वास भर लेंगे ये सात, अब श्वास बाहर ये आठवां अभ्यास, फिर श्वास भरें ये नौवां अभ्यास, श्वास बाहर होगी दसवां यह पाद हस्तासन का, और श्वास भर के 11वें अभ्यास को और श्वास बाहर 12वां। इस प्रकार से ये प्रत्येक अभ्यास करते करते अब दूसरी तरफ से इसको देख लेते हैं। तो हर आसन में श्वास का भरना और छोड़ना निहित होता है। इस नियम को जब पालन करता है व्यक्ति तो प्राणायाम पूर्वक यानी कि यौगिक सूर्य नमस्कार ये कहलाता है। इस यौगिक सूर्य नमस्कार को करने के कई सारे लाभ हैं। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है और हमारे मन में भी जो ऊर्जा होती है वह संतुलित होने लगती है जब प्राणायाम के साथ इसका अभ्यास हम करते हैं। तो उसके अलावा ये हमारे हार्मोन्स के जो असंतुलन है, इम्बैलेंसेस ऑफ हार्मोन या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको भी ये ठीक करता है सूर्य नमस्कार। विशेष करके जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोनल सीक्रेशंस होते हैं उनके इम्बैलेंसेस को ये ठीक करता है। इतना अच्छा यह सूर्य नमस्कार होता है। जो लोग टीन एज में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, उन लोगों के इमोशंस जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं होते, उनको पता नहीं होता हमें क्या करना है, बहुत सारे ऐसी भावनाएं वे व्यक्त नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। उनकी संवेदनाएं और भावनाएं अगर संतुलित करनी है तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से 8 साल की उम्र जो बालकों की होती है, 8 साल की उम्र में सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें प्रारंभ करा देना चाहिए बच्चों को। जो लोग शिक्षा पढ़ने विद्या के लिए स्कूल में विद्यालयों में कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि में जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स को फाइट करते हैं, कम्पीट करते हैं कहीं, उन सबको अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, उत्तम अपने आप को साबित करना है तो निश्चित रूप से वो सूर्य नमस्कार अवश्य करें। उनकी परफॉर्मेंस सुधरती चली जाएगी, उनके अध्ययन में, उनकी गतिविधियों में उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और उनकी याददाश्त भी बढ़ेगी। यह सूर्य नमस्कार इतना जबरदस्त है, इसके 75 से भी अधिक लाभ मैं आज आपको गिना रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनते चले जाइए और इसका अभ्यास करते चले जाइए। जो व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश कर रहा है, यौवनावस्था में पदार्पण कर रहा है, उस समय भी उसका मन उच्छृंखल अवस्था में होता है और इस उच्छृंखल अवस्था को भी हम सहजता से इसको अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में इतनी क्षमता होती है, तो सूर्य नमस्कार से हमारे अंदर क्षमताओं का विकास होगा, हमारा यूथ जो यौवन है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। जो हार्मोन्स का शारीरिक विकास होता है, हार्मोन्स से हमारा शरीर का काफी विकास होता है और इन शारीरिक विकास पर और भावनाओं पर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनका प्रभाव होता है, उसको भी यह सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास संतुलित करता है, संतुलित रखता है। उसके अलावा जो बच्चे कमजोर हैं उन सब बच्चों को शुरू से ही, मैं तो कह रहा हूँ कि 8 साल भी क्या, 6-7 साल की आयु से ही बच्चों को इसका अभ्यास और कुछ आसनों का अभ्यास करवाना चाहिए ताकि शुरुआत बचपन से ही योग की हो जाए बच्चों की, ताकि पूरी जो शरीरगत ऊर्जा है उसका वो जीवन भर सदुपयोग करने की स्थिति में आ जाए। इसीलिए इसके बहुत लाभ हैं। शरीर में जो प्राण का संचलन होता है उसके अवरोधों को हटाता है। प्राण का संचलन यानी हमारे शरीर में बहुत सारा प्राण भी होता है, सब जगह ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, इसमें अगर कहीं वायु में जिसको
रक्ताभिसरण तंत्र या फिर जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वह सर्कुलेटरी सिस्टम व्यान प्राण से चलता है, योग की भाषा में बात करें तो यह व्यान प्राण को भी उत्तम बनाता है। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच महा पंच प्राणों को संतुलित करता है, उनको शक्ति देता है, उनके डिसऑर्डर्स उनके असंतुलन को दूर करता है, जिससे कि हमारा पूरा शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ बना रहता है। उसके समस्त अवरोधों को हटा करके प्राणों के आवागमन को शरीर में सहज बना देता है। उसके अलावा हमारी मेटाबॉलिज्म रेट को चयापचय दर, जिनका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है उनके पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है, और चक्रों का उद्दीपन करता है, जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जितने शक्ति केंद्र हमारे शरीर में कही गए हठ योग में, उन सब का उद्दीपन, उन सब को जागृत करता है। उसके अलावा अगर हम इसको मंत्रों के साथ करें, जैसे ये मित्राय नमः, रवये नमः, अभी तीसरे में आ रहे हैं, ये तीसरा है पादहस्तासन, श्वास बाहर छोड़ करके सूर्याय नमः, फिर ये चौथा ओम भानवे नमः, ये पांचवा अभ्यास ओम पर्वता, ये पर्वतासन है ना, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ये सातवा ओम हिरण्य गर्भाय नमः, आठवा ओम मरीचये नमः, नवा अभ्यास ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, और ये फिर बारवा ओम भास्कराय नमः। ऐसे लगातार अगर मंत्रों के साथ हम इसका अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी आध्यात्मिक जागृति की जो राह है वह भी आसान हो जाती है, क्योंकि मंत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। उसके अतिरिक्त और भी आगे इनकी और लाभ यदि देखें तो शरीर में जो अमृत है उसको, जो उदरस्थ अमृत, उदरस्थ सूर्य ताप से जलने से रोकता है। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास इतना अच्छा है कि शरीर में एक अमृत तत्व भी कहा जाता है, तो उस अमृत तत्व में जो ऊष्मा पड़ती है उससे वह अमृत तत्व सूखता रहता है। इसीलिए सूर्य नमस्कार हमारी ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करता है, तो हमारी वह जो ताप से जलती है वह ताप से न जल करके सुरक्षित रहती है, सूर्य का आशीर्वाद प्रदान होता है इससे। निश्चित रूप से सूर्य एक अच्छी सी गति पैदा करता है हमारे शरीर में, जो सकारात्मक गति है, नहीं तो व्यक्ति बुरे जो दिनचर्या के कार्य हैं, उल्टा खान पान ये सब चीज़ें करके अपने आप को स्वयं को बीमार बना लेता है, और फिर उसके अंदर का जो वाइटल फोर्स है, इम्यूनिटी, वो सब कम होते होते उसके शरीरस्थ जो अमृत तत्व होता है वह जलता रहता है। इसीलिए इसको यदि बचा कर रखना है तो हम सब सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें। पाचन तंत्र हमारा सुधरता है, पैनक्रियास जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं, आमाशय, लिवर जिसको हम यकृत कहते हैं, और आंतें जिनको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, इन सब की कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, इनके फंक्शन को प्रॉपर करता है। ये सूर्य नमस्कार का ही विशेष कार्य है, हमें इसको करना बहुत बार चाहिए, एक दो बार से कुछ नहीं होता, कम से कम 10-15 बार तो हम रोज करें। अब देखिए अगले साधक के द्वारा इसी यौगिक सूर्य नमस्कार को हम देखते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ये श्वास बाहर छोड़ करके देखो पादहस्तासन, दोनों पैरों के साइड में दोनों हाथों को लगा दिया, श्वास भर के ओम भानवे नमः, ये अश्व संचालन, ओम खगाय नमः, ये पांचवा पर्वतासन, छठा ओम पूष्णे नमः, ये छठा अभ्यास है अष्टांग आसन, इसका मंत्र है ओम पूष्णे नमः। सातवें अभ्यास में चलते हैं, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, पैर पूरे खींचे जाते हैं, बहुत अच्छा। आठवां अभ्यास ओम मरीचये नमः, नवें अभ्यास में चलते हैं, ओम आ
आदित्याय नमः। दसवां अभ्यास। ॐ सवित्री नमः। दसवां पादहस्तासन। ग्यारहवें में चलते हैं। ॐ अर्काय नमः। बारहवें अभ्यास में ओम भास्कराय नमः। सबके मंत्रों को मैंने बोला, सबके कहाँ कहाँ श्वास भरना है, कहाँ छोड़ना है वह बताया। उसके अलावा हम ये भी जान रहे हैं कि कहाँ पर कौन से आसनों का क्या नाम है, क्या क्या फायदे इससे होते हैं। इतने सारे लाभ, फेफड़ों में जो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, तो सूर्य नमस्कार वास्तव में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता भी है, वरना सारे दिन में हम श्वास भी पूरा नहीं भरते, इसलिए बीमार हो जाते हैं। हमारे फेफड़ों की क्षमता का हम 25-30% अधिकतम उपयोग कर पाते हैं, लेकिन प्राणायाम या सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास करके हम 70-80% तक फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो टीबी और अस्थमा से हमें बचाती है। फेफड़ों की क्षमता का जो ढंग से प्रयोग नहीं करता ना, वो टीबी और अस्थमा भी उनको हो जाता है। तो आपको टीबी और अस्थमा के खतरे नहीं झेलने होंगे, उनके खतरों से आप बच जाएंगे पहले से। स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा कहते हैं, और गुर्दे, जिनको हम किडनीज कहते हैं, रीनल कहते हैं, उन सब की कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स निकालता है बाहर। ये सूर्य नमस्कार इतना ज़बरदस्त है। जो लोग रात को शिफ्ट में काम करते हैं, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उन सब सो करके उठने के बाद अगर सूर्य नमस्कार करें, तो इससे होने वाले जो खिंचाव और इनके तनाव को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। ऐसी ज़बरदस्त क्रिया है। जिनके चर्म रोग हैं वे दूर होते हैं, त्वचा के दाग धब्बे दूर होते हैं, जितनी ग्रंथियां अंदर एंडोक्राइनल सिस्टम होता है, उनकी समस्त ग्रंथियों के जो काम है वो उच्चतम स्तर पर अच्छी क्षमता, उच्चतम कार्य क्षमता उनको मिलती है, उन सबको तभी हमारा अच्छा स्वास्थ्य माना जाता है। तो सूर्य नमस्कार ऐसा अभ्यास है जो थायराइड, पैराथायराइड, थायमास, एड्रिनल आदि कई सारी ग्रंथियों की मालिश करके उनको सक्षम बनाता है और हमें एक उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। सक्रिय अगर रक्त संचरण होता है हमारा, तो वह भी एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। एक अच्छा रक्ताभिसरण तंत्र, एक ब्लड सर्कुलेशन का बहुत उत्तम प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति एक शरीर में चलना, ये बड़ी बात होती है। यह बात सूर्य नमस्कार से हमें मिल जाती है, तो यह सक्रिय करता है हमारे रक्त संचरण को। इसीलिए इसको आदर्श के रूप में अगर कंट्रोल करना है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, तो हम सूर्य नमस्कार जरूर करें। ये इसीलिए बहुत आवश्यक है। नर्वस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा बनता है, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, भूलने का जो स्वभाव है जिनका, वे लोग, और जो बार बार चिंताएं करते हैं, चिंताओं से भी मुक्ति मिलती है सूर्य नमस्कार को करने से। मस्तिष्क संबंधी जितनी भी व्याधियां हैं, मस्तिष्क संबंधी, ब्रेन से संबंधित, वे सारी दूर होती हैं, उनसे हम उभर जाते हैं। स्ट्रेस, तनाव, जितनी भी एंजाइटी, घबराहट, छोटी छोटी बात में नकारात्मक सोचना, ये सब सूर्य नमस्कार से दूर हो जाती हैं, जितनी भी समस्याएं हैं। हृदय, जिसको हम हार्ट कहते हैं, इस हार्ट पर बिना कोई दबाव पैदा किए उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। हार्ट के जितने भी पेशेंट मेरी बात को सुन रहे हैं या ध्यानपूर्वक सुने, सूर्य नमस्कार हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसके फंक्शन को, उसकी जिसको कार्य की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और उसको कंट्रोल करके रखता है। ऐसे बाहर ऐसे नहीं बढ़ा करके बहुत नुकसान पहुंचा देवे, कंट्रोल भी रखता है। ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है जो व्यक्ति की सूर्य नमस्कार करता है, क्योंकि हार्ट उसका अच्छा हो गया तो बीपी तो बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, ना हाई ना लो। ऊर्जा को व्यवस्थित करता है, हमारी जो एनर्जी होती है उसको ये मैनेज करता है, और उसके अलावा
हमारी ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है, हमारे जो एनर्जी का फ्लो पूरे बॉडी में होता है उसको भी ये बैलेंस्ड करता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियाँ जो होती हैं उनकी गतियों को अच्छा रखता है। जिसको इड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ तो विशेष रूप से हमारी पकड़ में आ सकती हैं, उन दोनों को उनकी जो गति है उनको सामान्य रखेगा, और उसके अलावा हमारे मानसिक विकार नहीं आएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे, इड़ा पिंगला की गति को सामान्य कर लेंगे, तो हमारे को मानसिक विकारों से नहीं जूझना पड़ेगा। ये भी बड़ी बात होती है, ये भी सूर्य नमस्कार से संभव हो सकता है। हमारी जो उंगलियां हैं, हमारी कलाई हैं, दोनों कलाइयां, हमारी दोनों भुजाएं हैं और कंधे हैं, इन सब का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। इन सब की कमजोरी दूर हो करके ये सब मजबूत बनने लगते हैं यदि सूर्य नमस्कार रोज कर रहे हैं तो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हैं उनसे शरीर पर बहुत बड़ा बड़े दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उन सब से भी हमें सूर्य नमस्कार बचाने की क्षमता पैदा करता है हमारे अंदर, और हमारी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करता है। आसन और प्राणायाम और ध्यान के लिए जैसी शारीरिक शक्ति या सौष्ठव या ऐसी जिस दमखम की जरूरत होती है वो सूर्य नमस्कार से ही संभव है। सूर्य नमस्कार के डायनेमिक सीक्वेंस जितने भी हैं वो तन मन की एकाग्रता को और हमारी शक्ति क्षमता को इनको बनाए रखने में सक्षम होता है, जो ध्यान के लिए बहुत जरूरी चीजें होती है। इसीलिए इसको कहते हैं डायनेमिक मेडिटेशन। ये अगर रिदमिक तरीके से करें, जैसे अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी 10वां अभ्यास चल रहा है, रिदमिक करें, प्राणायाम के साथ करें, तो ध्यान के लिए बड़ी जबरदस्त स्थिति हमारी बन जाती है। इसीलिए इसको डायनेमिक मेडिटेशन भी कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति स्वयं, ये देखिए, अब अगले योगाभ्यासी का देखेंगे, प्रियंका जी का अभ्यास देखते हैं और इसके अन्य दूसरे लाभ भी देखते हैं। तो ये एक श्वास भर के, दूसरा अभ्यास हस्तोत्तानासन श्वास बाहर छोड़ करके, तीसरा अभ्यास पादहस्तासन श्वास भरें, चौथा अभ्यास श्वास बाहर, पांचवा अभ्यास एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें, छह ये छठा अष्टांग आसन, सातवें अभ्यास में चल रहे हैं भुजंगासन श्वास भर के, आठवां अभ्यास श्वास बाहर नाभि को देखें, और नौवां अभ्यास फिर 10वें में चल रहे हैं, ये 10वां प्रैक्टिस, वही नाम तो वही है, श्वास भर के 11 और श्वास बाहर 12, सामान्य कर लेंगे श्वासों को। ऐसे ही दूसरी तरफ से देख लेते हैं, इसके और भी फायदों को जानते हैं। जिन जिनके सूर्य नमस्कार में, मतलब अगर आप एक राउंड को भी देखो, जो ये 12 का हो रहा है, 13 से 14 कैलोरी बर्न होती है, और 30 मिनट अगर इसका अभ्यास हमने कर लिया तो 417 कैलोरी बर्न होती है, जो किसी भी खेल और व्यायाम में नहीं होती है। चलिए इसकी कैलोरीज की भी मैं आपको गिनती बताता हूँ कि कौन कौन से खेल में, कौन कौन सी चीज़ों में कितनी कितनी कैलोरी बर्न होती है। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनकी 199 कैलोरी बर्न होती है 30 मिनट में, और जो टेनिस खेलते हैं उनकी 232 कैलोरीज बर्न होती है। ये एक शोध से पता लगा है, उसी शोध के आंकड़े आपको बता रहा हूँ मैं। बास्केटबॉल जो खेलते हैं, बास्केटबॉल, उन सब की 30 मिनट तक अगर उन्होंने खेला तो 265 कैलोरीज बर्न होती है, और बीच वॉलीबॉल यदि खेला तो भी इतनी ही होती है। फुटबॉल खेलने पर लगभग 300 यानी 298 कैलोरीज बर्न होती है। साइकिलिंग की जाए यदि 30 मिनट तक तो 331 कैलोरीज बर्न होती है। चट्टान पर रॉक क्लाइंबिंग आदि करें, चट्टान पर चढ़ें, तो 364 कैलोरीज आधे घंटे में 30 मिनट में बर्न होती हैं, और दौड़ें यदि आधा घंटे तक तो 414 कैलोरीज बर्न होती है। सूर्य नमस्कार यदि 30 मिनट तक हम करें तो 417 कैलोरीज बर्न होती है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज कहीं बर्न हो रही है तो सूर्य नमस्कार से हो रही है। इसके बारे में संक्षिप्त पद्य भी लिखा गया किसी के द्वारा।
सूरज नमन से मिटत आधि और व्याधि, सूरज नमन से मिटत आधि और व्याधि, शेर सी फुर्ती शरीर में आए, वीर शिवाजी की तरफ बनोगे चरित्रवान। फिर कहता हूँ, वीर शिवाजी की तरह बनोगे चरित्रवान, कुंठाव कलुषता तुरत भाग जाए, पीठ लोच दर मुख मंडल हो कांतिवान, मंगल की भावना भुजाओं से आए, सूरज की किरणें मिटाती है अनेकों रोग, तन की सुघरता स्वतः बढ़ जाए। इसीलिए यह सूर्य नमस्कार तो हर आयु के हर वर्ग के व्यक्ति को करना ही चाहिए। ये सब बहुत उपयोगी अभ्यास आप देख पा रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। हमारा केवल और केवल सूर्य नमस्कार का ही कार्य चल रहा है, उसी का ही कार्यक्रम हम स्वामी न्यूज़ अजमेर के इस फेसबुक यूट्यूब आदि पर प्रसारित कर रहे हैं। तो आप सभी सुनते रहें, इसके लाभों को भी, जो महिलाएं उनके मेनोपॉज की जो समस्याएं रजो निवृत्ति होती है उनकी तकलीफों से भी छुटकारा दिलाता है यदि सूर्य नमस्कार का रोज का अभ्यास किया जाए तो। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी का सर्वोत्तम अगर कोई व्यायाम होता है तो वह सूर्य नमस्कार होता है, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। और उसके अतिरिक्त छोटे छोटे जो बच्चों की माताएं हैं, नवजात शिशु की माताएं हैं, उनके भी दूध में अगर गुणवत्ता और मात्रा में यानी क्वांटिटी और क्वालिटी में वृद्धि करनी है तो भी सूर्य नमस्कार उत्तम होता है। अब शेष लाभों को कल जानेंगे, आज के लिए इतना ही। सबको सादर नमस्ते, आभार, धन्यवाद, ओम।